इस वीडियो में हम उदाहरण के तौर पर अल्टिमा का उपयोग करके समझेंगे कि हाइपर डिफ्लेशनरी टोकन क्या है। क्रिप्टोकरेंसी के कई वर्गीकरण हैं, लेकिन विश्व स्तर पर इन्हें मुद्रास्फीतिकारी और अपस्फीतिकारी में विभाजित किया जा सकता है। मुद्रास्फीतिकारी टोकन के बाजार में टोकन का मुद्दा या कुल मात्रा बढ़ रही है, जबकि अपस्फीतिकारी टोकन की संख्या सख्ती से सीमित और घट रही है। दूसरी ओर हाइपर डिफ्लेशन तब होता है जब बाजार में सप्लाई तेजी से घट जाती है और बढ़ती मांग और कमी मूल्य वृद्धि को दृढ़ता से उत्तेजित करने लगती है। बाजार में सिक्कों की मात्रा को सीमित और कम करना क्यों जरूरी है? समय के साथ बाजार में घाटा विकसित हो जाएगा, जिससे आर्थिक कानूनों के अनुसार परिसंपत्ति की कीमत में वृद्धि होगी। अल्टिमा के सप्लाई 1,00,000 टोकन तक सीमित है, जो बाजार में सबसे छोटी जारी दरों में से एक है। उत्सर्जन को सीमित करना एकमात्र अपस्फीतिकारी तंत्र नहीं है। अल्टिमा का प्रमुख अपस्फीति उपकरण हालविंग है। पड़ाव का मुख्य लक्ष्य नए टोकन जारी करने को कम करके क्रिप्टोकरेंसी मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाना है। हालविंग से क्रिप्टोकरेंसी की कीमत और उसकी मांग बढ़ती है। अल्टिमा के हॉल्टिंग नियम बाजार में सबसे सख्त हैं। यदि बिटकॉइन हॉल्टिंग हर 4 साल में एक बार होती है, तो अल्टिमा हर साल होता है। वर्तमान समय में प्रतिदिन लगभग 900 बिटकॉइन बाजार में प्रवेश कर रहे हैं, जबकि अल्टिमा प्रतिदिन केवल 50 टोकन है। अल्टिमा की दैनिक मात्रा हर साल आधी हो जाएगी और 2028 तक बाजार में टोकन की आपूर्ति स्वचालित रूप से प्रतिदिन 50 से घटकर 1 टोकन प्रतिदिन हो जाएगी। एक अन्य प्रोडक्ट जो अल्टिमा की सप्लाई में कमी और टोकन मांग वृद्धि में योगदान देता है, वह स्मार्ट वॉलेट है। वॉलेट में प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर कमीशन लिया जाता है, जो स्वचालित रूप से 50 सालों के लिए ब्लॉकचेन में फ्रीज हो जाता है, जिससे अल्टिमा का टर्नओवर कम हो जाता है और मूल्य वृद्धि बढ़ जाती है। मार्केट में कई अपस्फीतिकारी क्रिप्टोकरेंसी हैं, लेकिन केवल अल्टिमा ही वास्तव में हाइपर अपस्फीतिकारी टोकन बन गया है। यह अल्टिमा को उन लोगों के लिए एक सुरक्षित और फायदेमंद समाधान बनाता है जो आधुनिक तकनीकों पर पैसा कमाना चाहते हैं।